Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Emerging Domain in Electronics Engineering. The subject code is KEC201T and here we are in lecture number 10 of unit number 4. So in the last lecture we have started simplification of Boolean function using Boolean laws. तो हमने वहाँ पे देखे थे कौन-कौन से Boolean laws हैं जिसके through हम function को minimize कर सकते हैं and the second important thing is De Morgan's theorem. जी हाँ, बहुत important laws होते हैं digital electronics के अंदर जो आपको कहीं पे भी use हो सकते हैं. Now, अब अगर इस lecture में मैं बात करूँ तो यहाँ मैं एक another important term use करने वाला हूँ जो हम आगे minimization using KMAP में भी देखेंगे, Boolean expression में भी देख रहे हैं कि what is the type of the Boolean expression. ये जो हमने Boolean expression लिखा है, जो function आपको given मिला, उसकी क्या types हो सकती हैं. तो यहाँ पे जो type की हम बात करेंगे, that is slope, that is sum of product, product of sum, और किस तरह से इनको इसके standard form में convert किया जाता है. If you have given a slope expression, तो किस तरह से हम उसको canonical form में change करते हैं. And once you convert this canonical form, then आप लोग यहाँ पे एक important term समझेंगे, what do you mean by min term and max term, right? क्योंकि इन सभी terms की हमें आगे जो method start करना है, that is KMAP, the most important one. तो इस सभी term KMAP में बहुत ज़्यादा use होती हैं, तो इन सभी को जानने के लिए चलिए अपना lecture start करते हैं. Boolean expression, pose and soap form. So, what is soap and pose form? तो यहाँ swap को हम बोलते हैं, that is sum of product, and pause को बोलते हैं product of sum. तो अगर swap की बात करूँ, that is sum of product, तो अभी हमने एक boolean expression देखा, this is a kind of boolean expression AC plus AB plus BC. तो इसमें basically हो क्या रहा है, in this अगर आप देखेंगे तो ये एक product term है, ये एक product term है, ये एक product term है, और इन product terms का हम क्या कर रहे हैं, sum कर रहे हैं. तो that means this is a kind of expression जिसे हम क्या बोल रहे हैं, sum of product, यानी कि soap expression. वहीं पे अगर मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करूं, लाइक ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए प्लस सी, सो नाउ व्हाट इज हैपन, ये अपने आप में एक सम टर्म है. सिमिलरली बी प्लस सी, ये अपने आप में एक सम टर्म है. मींस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड अ और गेट, ए प्लस सी रिप्रेजेंट करने के लिए आई नीड अ और गेट. देन इन तीनों समिंग टर्म्स का हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों समिंग टर्म्स का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉज एक्सप्रेशन. तो यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन बेसिकली इन्हीं दो कैटेगरी में आप लोगों को मिलते हैं, या तो सोप एक्सप्रेशन होता है या फिर पॉज एक्सप्रेशन होता है, राइट. नाउ अब हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरह से हम कैनोनिकल सॉप में कन्वर्ट करते हैं गिवन सोप एक्सप्रेशन को. जी हाँ, अभी मैंने सोप एक्सप्रेशन की बात की, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म की बात की. तो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में कई बार ऐसा होता है जब हमारे पास इंडिविजुअल टर्म डू नॉट इन्वॉल्व ऑल द लिटल्स. मींस फॉर एन एग्जांपल, इन एन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी सी बार, राइट, अगर हम इस एक्सप्रेशन में देखें तो फर्स्ट टर्म के अंदर सी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे सी मिसिंग है. या अभी अगर मैं लास्ट एग्जांपल की बात करूं, सो इट इज ए सी ए बी एंड बी सी. तो ये फंक्शन बेसिकली थ्री वेरिएबल्स का फंक्शन है, ए बी सी, बट इसके हर एक प्रोडक्ट टर्म में आप देखेंगे यहाँ पे बी मिसिंग है, राइट, यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है. सो इसीलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिखा था, इन द सॉप फॉर्म मैनी टाइम्स ऑल द इंडिविजुअल टर्म्स डू नॉट इन्वॉल्व ऑल द लिटल्स. तो अब अगर हम इस सोप टर्म को, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म को कन्वर्ट कर दें, सो दैट हर एक टर्म जो है यहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल टर्म में सभी वेरिएबल्स आ जाएं, लाइक यहाँ पे अगर सी मिसिंग था तो वो सी इसके अंदर आ जाए, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं कैनोनिकल सोप फॉर्म या स्टैंडर्ड सोप फॉर्म, राइट. अगर आप सारे वेरिएबल्स उसमें जनरेट कर देंगे तो इस टर्म को बोलेंगे आप कैनोनिकल सोप फॉर्म. और इसी कैनोनिकल सोप फॉर्म से हम एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज द मिन टर्म्स. यहां से हमारी मिन टर्म्स कैसे कैलकुलेट होती है, तो अगर मिन टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो भी मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लाना पड़ेगा अपने एक्सप्रेशन को, उसके बाद ही मैं मिन टर्म्स कैलकुलेट कर सकता हूं. सो कैसे हम कन्वर्जन करते हैं, लेट्स सी विद एन एग्जांपल. सो एग्जांपल कहता है कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड सोप फॉर्म, और ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है एफ ऑफ फंक्शन एबीसी इज इक्वल टू AC plus AB plus BC, right? अब जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इस एक्सप्रेशन में B मिसिंग है, इस एक्सप्रेशन में C मिसिंग है, इस एक्सप्रेशन में A मिसिंग है, तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा. सो मैंने पढ़ रखा है कि अगर मैं यहां पे B plus B bar की मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, AC में, राइट, तो एज पर बूलियन लॉ B plus B bar यानी वेरिएबल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो दैट मींस जो भी यहां पे मिसिंग वेरिएबल है उसको हम कैसे लेके आते हैं, B plus B bar की मल्टीप्लाई AC में कर दिया. सिमिलरली यहां पे C मिसिंग है तो इस AB के अंदर हमने C plus C bar की मल्टीप्लाई कर दिया, और सिमिलरली यहां पे BC है तो BC के साथ हमने किसकी मल्टीप्लाई कर दी, A plus A bar की. Because as per Boolean law, these variables are nothing but one or one multiplied by something variable. तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल उसी फॉर्म में एक एक्सटेंशन कैसे करनी है, यानी जो वेरिएबल मिसिंग है उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ एड ऑन करके इन टर्म्स में रख दिया.
अब इन टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई एक्सपेंड करेंगे दिस बिकम द फर्स्ट टर्म ए बी सी, द सेकेंड टर्म इज ए बार ए बी बार सी, द थर्ड टर्म इज ए बी सी, द नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन इज ए बी सी बार, उसके बाद जब यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी सी, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बार बी सी। और ये हम पहले ही देख चुके हैं, मैं यहाँ पे बी सी ए लिखूं या ए बी सी लिखूं एज पर बूलियन लॉ दीज टू आर सेम, राइट। तो ये चीज हम पहले देख चुके हैं। अब मैंने इसे ए बी सी की टर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे फंक्शन इज गिवन एज ए बी सी। अब यहाँ पे चीज भी समझिएगा कि ए बी सी जो गिवन होता है तो ए इज बेसिकली कॉल्ड एम एस बी साइड यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, एंड सी इज कॉल्ड द एल एस बी साइड यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूं तो दे आर थ्री वेरिएबल, और अगर इन थ्री वेरिएबल्स के आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं तो C इज बेसिकली कॉल्ड LSB, जहां पे हम स्टार्ट करते थे 0101, B इज कॉल्ड 0011, एंड देन A इज कॉल्ड 4x0 एंड 4x1। तो A B C हमेशा इसी मैनर में होते हैं कि A इज द MSB, B इज द देन उसके आफ्टर दैट, एंड C इज द LSB साइड। तो इसीलिए मैंने यहां पे हर एक्सप्रेशन को A B C की टर्म में ही रिप्रेजेंट किया है। Now, अब अगर बूलियन लॉ लगाएं तो ABC और ABC दो बार आ रहा है, थ्री टाइम्स आ रहा है, तो बेसिकली बूलियन लॉ में हमने क्या पढ़ा है, A प्लस A इज इक्वल टू A, सो दैट मीन्स ABC प्लस ABC इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ABC, राइट। उसके बाद और कोई टर्म रिपीट है, जी नहीं, और कोई टर्म रिपीट नहीं है, ए बी बार सी सिंगल टर्म है एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद ए बी सी बार एज इट इज आ जाएगा, एंड देन प्लस ए बार बी सी एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म। अब आप देख सकते हैं इसके हर एक इंडिविजुअल टर्म में तीनों वेरिएबल अवेलेबल है, चाहे वो बार की टर्म में अवेलेबल है, चाहे वो सिंपल टर्म में अवेलेबल है, बट अवेलेबल तीनों वेरिएबल है। तो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म, बिकॉज ये है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, राइट। अब इतना एक्सप्रेशन तो हमने ड्राइव कर लिया, अब इस एक्सप्रेशन के बाद अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म से मिन टर्म्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। जी हाँ, मिन टर्म्स का फंक्शन है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मिन टर्म्स क्या होती हैं? अब मिन टर्म्स के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी सी आर द थ्री वेरिएबल्स, और इनकी वेटेज क्या है, इस पे वेटेज 1 है, 2 है और 4 है, इफ यू रिमेंबर द बाइनरी कोड, राइट, क्योंकि ये एल एस बी साइड है एंड दिस इज एम एस बी साइड, राइट। सो अगर इसी बेस पे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ कि मुझे मिन टर्म्स रिप्रेजेंट करनी है, सो यहाँ पे आपके वेरिएबल जो लिखा है ए बी एंड सी, दिस इज रिप्लेस बाय 1, और जहां पे आपका कॉम्प्लीमेंट लगा है, चाहे ए बार पे लगा है, बी बार पे लगा है, सी बार पे लगा है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, राइट। तो ये टर्म क्या बनी, ये टर्म बनी 1 1 1, इसी तरह ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी 1 0 1, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी 1 1 0, और ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी 0 1 1। So according to this term, अगर आप इस term को इस weight के according देखेंगे, now this is A, B and C, और इनका weightage क्या है 4 to 1, तो ये term क्या represent कर रही है, in the decimal this will become 7, right? ये term क्या represent कर रही है, इसका weight 4 है, इसका weight 1 है, इसका weight 2 है, तो that become 5, ये term क्या represent कर रही है, now this become 6, और ये term क्या represent कर रही है, this become 3, so these are called the min terms of the given function, और आप इन्हें ascending order में लिख लेते हो, तो 3 5 6 7, अगर मैं answer की बात करूं तो answer इस तरह से लिखा जाता है 7 5 6 3, और 3 5 6 7 भी आप दे सकते हो, these are the min terms for the given question। यहाँ पे summation sign represent किया गया है, summation sign represent करता है min term के लिए, और sometime summation with small m भी होता है, that is 3 5 6 7, so these are the min terms। और यही क्वेश्चन है जो एक तरह से आपको आगे जब हम अभी केमैप मिनिमाइजेशन पे जाएंगे तो केमैप के अंदर यही एक्सप्रेशन मिलता है कि मिन टर्म्स आर गिवन, अब उसको मिनिमाइज कैसे करना है, राइट। सो इसलिए ये टॉपिक यहां पे नीडेड है कि किस तरह से आपका कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म क्या होता है या सॉफ्ट फॉर्म ही क्या होती है, और किस तरह से हम मिन टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने सोप से कैनोनिकल सोप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहां स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, वी हैव गिवन दिस फंक्शन ए प्लस ए बी सी, इस फंक्शन में यहां पे ए है तो यहां पे बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, राइट, दीज आर द मिसिंग लिटरल। तो कैसे एड ऑन करूंगा, मैंने यहां पे बी प्लस बी बार की मल्टीप्लाई कर दी और सी प्लस सी बार की मल्टीप्लाई कर दी, इस ए बी सी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ऑलरेडी सारी टर्म है, इसका मुझे कुछ नहीं करना, ए बी सी एज इट इज रहने वाला है। नाउ अब इसकी मल्टीप्लाई करी थी तो यहां अगर मल्टीप्लाई एक्सपेंड करूंगा ए इनटू बी, दैट बिकम ए बी, ए बी बार, then C plus C bar as it is, उसके बाद आपने इसकी मल्टीप्लाई एक्सपेंड कर ली तो ये हो गया A B C, A B C bar, then A B bar C and A B bar C bar, right? अब अगर इसमें देख लें कोई टर्म डबल है, जी हाँ डबल है, A B C डबल है, तो एक टर्म हम छोड़ देंगे, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया A B C, A B C bar, A B bar C, A B bar C bar। Now, this is a standard form, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी जो terms हैं वो ABC contain कर रहे हैं, literal all हैं, तो अगर मुझे min term calculate करने के लिए बोला जाता है, तो for min term, this A is represented by 1, variable is represented by 1, variable is represented by 1, variable is represented by 1, 1, और variable bar is represented by
0. So 111 110, similarly ये हो जाएगा आपका 101 and this is 100 as per the weight, that is 421. तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 5 and ये हो गया 4. तो these are the min terms for the given question. बट आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में केवल कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है तो आप केवल स्टैंडर्ड फॉर्म तक रिजल्ट दीजिए, नो नीड टू कैलकुलेट दिस मिन टर्म. बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने इसलिए आपको कवर अप किया है सो दैट आप जब अभी के मैप पढ़ने वाले तो सब चीजें वहां पे बोली आती है, पोज एक्सप्रेशन है, सॉप एक्सप्रेशन है, मिन टर्म्स है, मैक्स टर्म है, तो ये सब टर्म आपको यूज होने वाली है. अब ये तो हो गई सॉप की बात, अब इसी तरह से पॉज भी हमारे पास, तो कैनोनिकल पॉज यानी पॉज से कैनोनिकल पॉज में कैसे कन्वर्जन होता है. तो सेम थिंग है जैसे हमने पॉज एक्सप्रेशन भी देखा, लाइक ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम. तो अगर आप ए प्लस बी में देखें तो यहाँ पे सी नहीं है, और अगर बी प्लस बी प्लस सी में देखें तो यहाँ पे ए मिसिंग है. तो सेम चीज है जैसे सॉप के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक इंडिविजुअल टर्म में सभी के सभी लिटरल्स नहीं होते. इफ अ फंक्शन इज अ वेरिएबल ऑफ इज अ फंक्शन इज अ थ्री वेरिएबल फंक्शन लाइक ए बी सी, सो हर एक इंडिविजुअल टर्म में तीनों लिटरल अवेलेबल नहीं है, तो उस टर्म को तीनों लिटरल टर्म में अवेलेबल कराने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनोनिकल या स्टैंडर्ड फॉर्म. तो यहां पे भी सेम चीज है कि पॉज फॉर्म को अगर ऑल लिटरल्स कंटेन कर ले देन द पॉज फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड पॉज और कैनोनिकल पॉज. अब इसमें कैसे कन्वर्जन करेंगे, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, इससे समझते हैं. सो यहां पे मैंने एक्सप्रेशन लिया, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म, और यहां पे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a इनटू a प्लस b प्लस c, राइट. अब हमने सॉप में देखा कि सॉप में जो टर्म मिसिंग होता है वहां पे हम लिख देते हैं a प्लस a बार. अब यहां पे क्या लिखूंगा, यहां का तरीका होता है a प्लस, यहां पे आएगा आपका b इनटू b बार प्लस c इनटू c बार. Now this is the way कि आप pause expression में कैसे canonical form में conversion करते हैं. तो b into b bar हम already पढ़ चुके हैं, that is 0. c into c bar, that is always 0. So इन दोनों को अगर मैं a में add कर रहे हैं तो मुझे a ही मिलेगा, right? तो as per boolean algebra हमारा function बिल्कुल accurate है. दूसरे function को मुझे कोई reduction मतलब कोई expand करने की जरूरत नहीं है, because यहाँ पे already तीनों literals available हैं, right? अब इस term को मैं कैसे expand करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे हमने एक पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसके अकॉर्डिंग अगर इस फंक्शन को ब्रेक किया जाए तो ये फंक्शन बनता है a प्लस एक बार आप यहां से b ले लीजिए, अब इस b के साथ एक बार c एड ऑन कर दीजिए, राइट. उसके बाद इस b के साथ एक बार c बार को एड ऑन कर दीजिए, तो ये दो टर्म बन गई. उसके बाद इसी तरह से इस बार आप ले लीजिए a प्लस b बार सेकेंड टर्म, इस b बार के साथ एक बार c को एड कर दीजिए और इस b बार के साथ एक बार c बार को एड कर दीजिए. तो दिस टर्म बेसिकली रिटर्न एज इन फॉर्म ऑफ दिस एज पर द बूलियन लॉस प्रॉपर्टी. और जो फिफ्थ टर्म है यानी ये वाली जो टर्म है a प्लस b प्लस c, ये आपकी एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगी. सो बेसिकली ये टर्म आपकी इन पांच इंडिविजुअल टर्म्स में चेंज हो गई. अब सेम प्रॉपर्टी जो हमने वहां पे बूलियन लॉ में पढ़ी थी, a डॉट a इज इक्वल टू क्या होता है a, तो अगर यहां पे कोई भी सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो दैट विल बी रिड्यूस इन अ सिंगल टर्म, राइट. या तीन बार मल्टीप्लाई हो रही है, दैट इज अगेन रिड्यूस टू अ सिंगल टर्म. तो यहां पे सिंगल टर्म कौन सी बच सकती है, a प्लस b प्लस c, और यहां पे भी a प्लस b प्लस c है. तो जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिड्यूस आंसर लिखेंगे तो व्हाट इज दैट रिड्यूस आंसर, दैट इज a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बार, a प्लस b बार प्लस c, एंड दिस इज a प्लस b बार प्लस c बार. तो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड कैनोनिकल पॉज फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम. इसमें सारे टर्म्स में हर एक लिटरल आ चुका है. अब जैसे हमने सॉप से मिन टर्म कैलकुलेट किए थे, सेम वे में कैनोनिकल पॉज से यानी पॉज फॉर्म से जो टर्म कैलकुलेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स. और मैक्स टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए जस्ट रिवर्स प्रोसेस है. नाउ दिस टाइम आई विल पुट a oblique b oblique c, यानी सिंपल वेरिएबल जो है वो जीरो से रिप्रेजेंट होगा और जो वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 1, राइट. वहीं पर सॉप में अपोजिट था, वहां पे a रिप्रेजेंट करता है 1 और a बार रिप्रेजेंट करता है 0. अब तक पूरे बूलियन लॉ में पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यही चीज हमने देखी है, सिंपल वेरिएबल रिप्रेजेंट 1 एंड अ वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट 0. बट इन केस ऑफ पॉज एक्सप्रेशन ये चीज यहां पे अपोजिट है कि सिंपल वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा 0 और वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा 1. So just replace over here. तो यहाँ पे सिंपल वेरिएबल है तो ये हो गया 0 0 0, ये आपका हो गया a प्लस b प्लस c बार, तो 0 0 1, देन a दैट इज 0, कॉम्प्लीमेंट 1, सिंपल 0 0 1 1, राइट. सो अब जैसे हमने इनके वैल्यू लिखी थी, व्हाट इज द वेटेज, वेटेज इज 421 बिकॉज इज अ बाइनरी कोड, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगी यहाँ पे 0 टर्म, द सेकंड टर्म रिप्रेजेंट 1, द थर्ड टर्म रिप्रेजेंट 2 एंड द थर्ड टर्म रिप्रेजेंट 3. सो दीज आर कॉल्ड द मैक्स टर्म. अब जैसे हमने मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट किया था बाय द समेशन साइन, मैक्स टर्म रिप्रेजेंट होती है बाय द पाई और कैपिटल M, राइट. कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मैक्स टर्म्स. तो 0 1 2 3 आर द मैक्स टर्म्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन,
राइट. इन द सेम वे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे मैंने आपके सामने रखा है, इसको आप देख सकते हैं. दैट इज गिवन फॉर एक्सप्रेशन को हमें स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इट सेज ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी. तो फर्स्ट टर्म में हमारा सी मिसिंग है तो आई हैव एडेड सी डॉट सी बार. सेकेंड टर्म में हमारा ए मिसिंग है तो आई हैव एडेड ए डॉट ए बार. थर्ड टर्म में ए प्लस सी है तो यहाँ पे हमने बी डॉट बी बार एड ऑन कर दिया. Now, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपैंड कर लीजिए तो ए प्लस बी एज इट इज रहने वाला है, एक बार सी इसमें ऐड हो जाएगा, एक बार सी बार आ जाएगा. सेकेंड टर्म में बी प्लस सी एज इट इज रहने वाला है, इसमें एक बार ए ऐड हो जाएगा, एक बार आपका ए बार ऐड हो जाएगा. एंड द थर्ड टर्म सेज ए प्लस सी एज इट इज रहने वाला है, एक बार हमारा बी ऐड हो जाएगा और एक बार हमारा ए प्लस सी में बी बार ऐड हो जाएगा. Now, अगर कोई टर्म डबल हो रही है तो हम उसे लेफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे कौन सी टर्म सेम आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी हमने ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बार हमने ले लिया. नाउ दिस इज अगेन ए प्लस बी प्लस सी, तो वी हैव ऑलरेडी टेकन इट, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे. देन है ए बार बी सी, तो ए बार प्लस बी प्लस सी हमने ले लिया. फिर से ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है, इसको भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा. देन है ए प्लस बी बार प्लस सी, तो ये ए प्लस बी बार प्लस सी हमने ले लिया. और आप देखो मैंने यहाँ पे सभी टर्म्स को ए बी सी की फॉर्म में लिखा है बिकॉज आई नो कि फंक्शन इज गिवन एज ए बी सी. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ए बी सी ही ऑर्डर में आपका वेटेज काउंट होगी, यानी ए की सबसे हायर वेटेज है, फिर बी की वेटेज है, फिर सी की सबसे लोवेस्ट वेटेज है. दैट्स व्हाई 4-2-1. सो अब सिंपल मैक्स टर्म बनानी है, ये हमारी कैनोनिकल पॉज फॉर्म आ चुकी है. अब इससे मैक्स टर्म बनानी है तो रिप्लेस कर दीजिए बाय जीरो बाय वेरिएबल, और अगर वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट हो तो उसे वन से रिप्लेस कर देंगे. तो जस्ट रिप्लेस, तो ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 0 0 1, ये हो गया 1 0 0, एंड दिस इज 0 1 0, राइट. तो दीज आर द फोर वैल्यूज और इन्हें पाई से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दीज आर द मैक्स टर्म्स. तो दिस रिप्रेजेंट 0, दिस रिप्रेजेंट 1, दिस रिप्रेजेंट 4 एंड दिस रिप्रेजेंट 2. सो दीज आर द मैक्स टर्म 0 1 2 एंड 4, राइट. सो दिस इज द वे हाउ यू विल कन्वर्ट कैनोनिकल पॉज फॉर्म और कैनोनिकल सॉफ फॉर्म, राइट. अगर पॉज और सॉफ आपको पता है तो किस तरह से आप इनकी कैनोनिकल फॉर्म को जनरेट करते हैं, मैक्स टर्म क्या होती है, मिन टर्म क्या होती है, नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट. अब इसके साथ अगर मैं बोलूं तो आप बिल्कुल बेसिक से वाकिफ हो चुके हो. अब अगर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा रेडिस के मैप, तो अब के मैप पढ़ने के लिए कोई ऐसी टर्म नहीं है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ना सुनी हो या ना पढ़ी हो. सो नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द फंक्शन मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 99.99% और आई कैन से 110% आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है. सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.